एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड वेल। सो आज की वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं बंगाल्स आइडियाज फॉर फेस्टिवल्स। थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, हॉल से और मेकअप से हटके। थोड़ा सा फेस्टिवल सीजन है ना, तो बहुत सारे बंगाल्स के आइडियाज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो वीडियो है दिस इज ऑल अबाउट मीशो हॉल बंगाल आइडियाज फॉर फेस्टिवल्स। जो भी अपकमिंग फेस्टिवल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं आपके साथ बंगाल्स के आइडियाज शेयर करने वाली हूँ। तो आप किस तरह से बंगाल्स ले सकते हो, सिंपल, चूड़ा, कड़ा, किस टाइप के कुछ हैं। तो ये कुछ 6 आइटम्स हैं मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। गाइज, आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि बंगल्स की नीड तो सबको रहती है, चाहे वो दिवाली हो, करवा चौथ हो या अपकमिंग कोई भी फेस्टिवल है। वेडिंग सीजन भी आ रहा है ना, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा गाइज, लाइक जरूर करना। एंड मैं आपको सारे बंगल्स एंड कड़ाज, मैं सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो इनकेस अगर आपको बाय करना है तो आप बाय कर सकते हो, मैं आपको स्टाइल कोड विद प्राइस भी दे दूंगी। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टिंग। तो सबसे पहले है मेरे पास ये बहुत ही सुंदर राजस्थानी चूड़ा, विच इज वेरी अमेजिंग, बहुत ही सुंदर है गाइज। तो मैंने काफी टाइम वेयर भी कर रखा है, बहुत ही सुंदर लगता है पहना हुआ। तो ये है हमारा राजस्थानी चूड़ा, जिसमें हमारे कुछ इस टाइप के बैंगल्स भी आते हैं, कड़े भी आते हैं, मोटे कड़े भी आते हैं, पतली पतली चूड़ियां भी हैं। तो ये है एक हाथ का सेट और ये नीचे वाला है दूसरे हाथ का सेट। तो इस पूरे बैंगल में देखिए आप, दोनों साइड ना ऐसे वर्क भी हो रखा है, तो ये बहुत ही सुंदर है। इसमें नग का काम भी है, थोड़ा बहुत कुंदन के ऐसे डॉट्स भी लगे हैं, जो बहुत ही सुंदर है इस फेस्टिव सीजन के लिए। आप करवा चौथ पे पहनना चाहो या दिवाली पे, या आगे आपकी वेडिंग सीजन भी आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हो ये चूड़ा। और ऊपर से ये मल्टी कलर है, तो आपकी हर ड्रेस के साथ जाएगा। और ये पहना हुआ इतना सुंदर लगता है ना, अगर आप न्यू ब्राइडल हैं, आपने चूड़ा उतार दिया है, आपको कुछ इस टाइप से कुछ चाहिए, तो आप इस टाइप का ले सकते हो। मैं इसको वेयर करके जब देखा रहा तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, ऐसा लग रहा था मैं फिर से न्यूली वेड हो गई हूँ क्या, इतना सुंदर लग रहा था ये मुझे चूड़ा। तो सोचा आपके साथ ये शेयर करती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर चूड़ा है जो सबकी आई थिंक वैनिटी में होना चाहिए। आप देख रहे हो दूर से कितना ब्लिंकी ब्लिंकी भी लग रहा है। सेकेंड है, हमारे पास चूड़ा नहीं है लेकिन कुछ पर्ल के बैंगल्स हैं जो मैंने स्टाइल किए थे। किसी भी आप चूड़ियों के बीच में इसे स्टाइल कर सकते हो गाइस। तो अगर आप कोई भी ऐसा आउटफिट पहन रहे हो, कोई भी ड्रेस का, तो उसकी साइड में ना आप ये दो दो चूड़ा पर्ल बैंगल्स लगा सकते हो। देख रहे हो इसकी क्वालिटी कितनी सुंदर आई है। एंड ये पूरा मेटल का है, इसके ऊपर ये पूरा पर्ल का ना पूरा स्टिचिंग हो रखी है, तो ऐसे कुछ चिपकाए नहीं हुए हैं, पूरी लोहे की तार से ना ऐसे स्टिचिंग हो रखी है। एंड यहाँ पे आपको मैट गोल्डन कुंदन के ऐसे ब्राउन कलर के, गोल्डन कलर के ऐसे वर्क भी मिल रहा है, पूरा स्टोन है। तो ये जो पूरा वर्क है ना, ये पूरा आप देखो अगर ध्यान से, तो पूरा जो वर्क है ना ये बुना गया है, मतलब सीला गया है, ऐसा चिपकाए नहीं हुए। तो ये बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है, और मेटल की चूड़ियां है ना, मेटल की कड़े के ऊपर ये बनाया गया है, बहुत ही सुंदर है। फॉर दिस फेस्टिव सीजन ये बहुत ही अमेजिंग है, आप इसको पहन सकते हो। एंड इसको आप ऐसे खाली भी पहन सकते हो, ये खाली भी बहुत सुंदर लगता है। तो यार नेक्स्ट है मेरे पास ये कुंदन के बैंगल्स, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर है। इसके बीच में भी आप चूड़ियां लगा के पहन सकते हो, और ये मैंने अलग अलग लिए थे, ये अलग है एंड ये पतले वाले अलग है। तो इसको पेयर अप करके भी पहन सकते हैं, नहीं तो आप एक साथ भी इसको पहन सकते हो। और ये पहना हुआ बहुत ही ज्यादा सुंदर लगता है गाइज, ये बहुत ही रॉयल टच भी देता है। तो ऐसा बहुत ही ज्यादा चटमट गोल्डन नहीं है, थोड़ा सा मैट गोल्डन है, जो आपकी हर ड्रेस के साथ जाएगा, कोई भी कलर की ड्रेस हो। बीच में आप इसकी चूड़ियां लगा सकते हो और इसको पहन सकते हो, और ये दो हाथ में भी आप इसको ऐसे पहन सकते हो, बहुत ही सुंदर लगेगा पहना हुआ। तो इस टाइप के गोल्डन कुंदन के बैंगल्स, पर्ल के बैंगल्स, चूड़ा, इस टाइप की जो यूनिक चीजें हैं वो वैनिटी में होनी ही चाहिए, क्योंकि ये कभी ना कभी काम आ ही जाती है। चाहे आगे फेस्टिवल्स आ रहे हैं, कोई पूजा भी लोग करवाते हैं कभी ना कभी, तो किसी के घर भी जा रहे हो, तो इस टाइप की जो चीजें होती है ना गाइस, जो कि काफी रॉयल टच देती है, उस टाइप का होना ही चाहिए। इसके बाद है मेरे पास ये बहुत ही सुंदर है यार, ये तो बहुत ही सुंदर बैंगल्स हैं। ये एक एक ही है, सिंगल सिंगल ही है, ये भी आप पहन सकते हो एक एक अपने हाथ में। इसमें ना आप देखो ऐसे ये झुमके कह सकते हो पर्ल के, वो है मीनाकारी वर्क हो रखा है, प्लस कुंदन का भी है, तो पूरा सुंदर सा। एंड इसका स्टाइल कितना सुंदर है, कटवर्क सा जो स्टाइल है ना, वो बहुत ही यूनिक डिजाइन है। तो ये बिल्कुल ही ज्यादा यूनिक डिजाइन है, जो कम देखने को मिलता है जनरली मीशो पे जो, बट ये इतना सुंदर लग रहा था ना कि मैं इसको रोक नहीं पाई ग्रैब करने के लिए। और राइट नेक्स्ट है मेरे पास ना ये रेड कलर का चूड़ा बैंगल्स मैंने मंगाए थे, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे। देख रहे हो आप बीच में ना ये मेटल के वेलवेट के बैंगल्स हैं, एंड साइड में ये प्लास्टिक का है, उस पर कुंदन का ऐसा वर्क हो रखा है, ये जो चूड़ा जो बैंगल है।
और ये भी जो चूड़ी है ये भी प्लास्टिक की है, लेकिन जो ये लाल वाली चूड़ियाँ है ना ये सारी मेटल की है, जो कि बहुत ही सुंदर लग रही थी एंड काफ़ी स्टर्डी है, काफ़ी अच्छी लगी मुझे ये पहनने में। इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे, मैं आपको जब लिंक मेंशन करूँगी ना आप चेक करोगे, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, आप आउटफिट के अकॉर्डिंग मंगा सकते हो। एंड ये पहना हुआ बहुत सुंदर लग रहा था, ज़्यादा भरा भरा भी नहीं है, प्लस ये पहना हुआ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। देख रहे हो आप कितने दूर से कितना ब्लिंकी ब्लिंकी भी कर रहा है, बहुत ही सुंदर लग रहा था पहना हुआ, काफ़ी यूनिक। एंड इसके प्राइजेस आप जब देखोगे ना आप हैरान हो जाओगे, आप मुझे नहीं लगता कि कोई भी चूड़ियाँ छोड़ेंगे आप, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। ऑल राइट, लास्ट है हमारे पास एक और चूड़ा जो कि बहुत ही वायरल चूड़ा है, मुझे ये बहुत पसंद आया था। एंड इसकी सबसे ज़्यादा खास बात है कि ये और भी मल्टी कलर का है, जो कि आपकी सारी ड्रेसेस के साथ जाएगा और ये सदाबहार चूड़ा है, आप कभी भी पहन सकते हो। सी गाइस कितना सुंदर चूड़ा है, ये पूरा सदाबहार एक हाथ का है और ये एक हाथ का ही सबसे बड़ा चूड़ा है अभी तक का मेरा, जितने भी बैंगल्स हैं। तो गाइस देखो आप, ये है हमारा एक हाथ का चूड़ा एंड इसके बहुत सारे मल्टी यूजेस भी हैं, कैसे वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये सारा जो चूड़ा है इसमें सबसे बड़ा है ये कड़ा, और इसमें हर कलर के बीच में ये पतली पतली चूड़ियाँ दे रखी हैं, सो दैट हर कलर ना अपने में अलग दिखे, ठीक है। और ये हर कलर का कड़ा है, तो अगर आपको इसको अलग से भी पहनना है, कभी आप इसको बाद में भी अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग एक एक कड़ा डाल सकते हो, दोनों में है, तो कभी ब्लू पहनना है, कभी रेड पहनना है, कभी येलो पहनना है, कभी ग्रीन पहनना है, तो इससे इस रिलेटेड ये सारे कड़े काम आने वाले हैं। एंड ये तो चूड़ा सदाबहार है, मतलब इस पर पूरा पर्ल का काम भी हो रखा है, थोड़े से स्टोन्स भी लगे हैं, प्लस आपको थोड़ा सा कुंदन के भी स्टोन्स लगे हैं। एंड यहाँ पे भी इस वाले चूड़े, इस वाला जो बैंगल है इस पर देखो आप, इस इधर भी डिज़ाइन है एंड इसके इस साइड भी डिज़ाइन है। तो ये सबसे अमेजिंग चूड़ा है एंड वायरल चूड़ा है गाइस, मैंने काफ़ी लोगों को पहने हुए देखा था, तो जब मैंने इसको देखा मैंने कहा यार ये तो मेरे पास होना ही चाहिए ना, इतनी सारी चीज़ें हैं तो ये इतना मल्टी कलर का चूड़ा होना ही चाहिए। ऑल राइट गाइज, तो ये था मेरा वीडियो अबाउट बैंगल आइडियाज फॉर फेस्टिवल सीजन मीशो बैंगल्स हॉल्स। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स मेंशन है, आप देख सकते हैं। एंड इस वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा ज़्यादा लोगों के साथ जरूर शेयर करें, तो आई होप आप इसको शेयर करेंगे। एंड आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आई होप सो, कॉमेंट में बताना सबसे अच्छा चूड़ा और ये बैंगल्स कौन से लगे, प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताना। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। एंड मिलते हैं न्यू वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय गाइज।